ये हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का लास्ट प्रूफ है इफ़ दे वेरिएट वाई आई इज इक्वल ये ठीक है आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ सुपर पॉपुलेशन इन विच एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई इज इक्वल म्यू एंड दिस टर्म इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड कोरिलेशन इज इक्वल टू जीरो फॉर आईज इक्वल नॉट जे देन ये ये हमने प्रूव करना है ठीक है इन एजम्पन्स को यूज करते हुए सबसे पहले वेरियंट्स ऑफ सिस्टमेटिक की एक्सपेक्टेशन लेनी है और उसके बाद रेंडम की इनको आपने इक्वल प्रूव करना है तो इसके लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने रेंडम के लिए ठीक है रेंडम क्या वेरियंस लिया वो हमारे पास इसके इक्वल होता है बाईडेफिनेशन यहां पर देखें हमारे पास एक टर्म है एसकीयर सबसे पहले मैं एसकीयर को यूज करूँगी और फिर उसको जो भी आंसर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करा दूंगी इस टर्म के साथ ठीक है एस स्केर की जो बाय डेफिनेशन हमारे पास वैल्यू आती है वो ये रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की वो यहाँ पर लिख दी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अब देखें हमारे टर्म चूंकि म्यू में है ये देखें अजम्पन जो है वो म्यू में है तो इसलिए हम यहाँ पर म्यू ही माइनस करेंगे और एड करवाएंगे ठीक है माइनस एक माइनस किया और एक प्लस किया ये यहां से ये यह टर्म आ गई यहां से जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी और ये वाली टर्म नेगेटिव होगी वो हमने यहां पर लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में अब देखें क्या करेंगे कि हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मला ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्के माइनस टू ए बी हमने वो यहां पर लिख दिया सिंपली ठीक है और अब ये स्मिशन हमारा ये वैसे ही है इसके ए स्के और ये पूरी टर्म हमने वैसे ही लिख दी ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये वाला स्मिशन जो है वो हम अंदर अप्लाई कर देंगे जब इस पर अप्लाई किया तो वो ऐसे स्मिशन ही आ गया ठीक है क्योंकि ये सारा वेरिएबल है ये कॉन्स्टेंट है हमारी बात इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एन मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर स्मिशन जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अब यहां पर कि जब हमारे पास ये टर्म है ये टर्म है इस पे जब स्मिशन अप्लाई हुआ तो यहां पर अंदर जाके स्मिशन वाई आई हो गया और यहां पर माइनस एन म्यू हो गया ठीक है क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इसके साथ क्या होगा एन मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाली पूरी टर्म ऐसे ही आ जाएगी अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे बाय कैपिटल एन के साथ जब कैपिटल एन के साथ इसको डिवाइडेड और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये वाली टर्म ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे ये वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी यहां से अब देखें स्मिशन वाई को तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये वाला सिर्फ एन यहाँ पर अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये इधर वाले जो मल्टीप्लाई इसके साथ खत्म हो जाएगा नीचे वाला एन ठीक है तो हमारे पास रिमेनिंग ये वाला टर्म रह जाएगी यहाँ पर एन आ जाएगा और उसके बाद देखें ये वाला जो टर्म है ये वाई बार बन जाएगी और ये वाला वाई बार और ये वाला वाई बार ठीक है ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हमने कहा हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है वन ये और वन यू कितनी हो जाएंगी टू हो जाएंगी वाई बार माइनस म्यू और टू एन ये आ जाएगी तो ये वाली टर्म हम इसकी जगह सारी इस सारी टर्म जगह हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद हम इसके साथ सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे कि ये एन है हमारे पास और यहाँ पर माइनस टू एन होगा ये देखे हमने टू एन लिखा टू माइनस टू और ये प्लस वन तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एन ये वाली वाई बार और ये वाली टर्म आ जाएगी अब क्या करेंगे अब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे वो किस तरह से कि यहाँ पर वाई बार के हम वैल्यू लिख देंगे स्मिशन वाई आई और ये आ जाएगा ठीक है यहाँ पर हम खुद से एन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर दिखे ये मल्टीप्लाई ड्रेड क्या है यहाँ से हम ये वाला जो एन है ये हमने वैसे ही रहने दिया यहाँ से वन ओवर एन कॉमन लिया उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे इससे स्मिशन कॉमन लेंगे बाकी ये पूरी टर्म वैसे ही चलती जा रही है साथ ठीक है और यहाँ से स्मिशन लिया कॉमन तो ये एक कॉन्स्टेंट था तो कॉन्स्टेंट के साथ जब स्मिशन अप्लाई होता है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है मल्ट एन मल्टीप्लाय हो जाता है तो इस तरह जब हम इसको दोबारा से स्मिशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये एन वैनिश हो जाएगा और ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी यहाँ से हमारे पास ये वाले स्मिशन का फॉर्मुला बन जाएगा ये एन स्केयर हो जाएगा ठीक है और फिर एक एन इस एन से कट हो जाएगा ये वाला एन खत्म हो जाएगा और खाली एक एन रह जाएगा यहाँ पर ये यह टर्म आ जाएगा यहाँ पर आप स्मिशन वाला फॉर्मुला ओपन करेंगे कि हमारे पास जो भी होता है टर्म उसका अलग से स्केयर आ जाता है और प्लस डबल स्मिशन आके अलग से उनकी वैल्यू आ जाती है ये वाली दोनों टर्म जो जीरो हो जाएंगे इनका ठीक है क्योंकि ये एजम्पन हमें गिवन थी कि इनके दोनों का टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा बाकी ये वाली पूरी टर्म हमने वैसे ही लिख दी अब इस पर क्या कहेंगे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे ठीक है जब इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये टर्म आ जाएगी ठीक है और अजम्पन्स में हमने पढ़ा था अब ये वाली एक्सपेक्टेशन इंटरचेंज है इस मिशन से वो हमने किया यहाँ पर यह आ जाएगी यहाँ पर ठीक है मिशन पहले आगे एक्सपेक्टेशन बाद में हमने जो हमारे पास थी, थी वो ये थी कि ये वाली टर्म जो एक्सपेक्टेड और ये भी सिग्मा स्केर वाला वैसे ही रहने दिया ये वाली भी पूरी ऐसे ही टर्म रहनी दी यहां से स्मिशन सिग्मा स्केर जो वो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर वन और माइनस वन ओवर वन और, और यहाँ पर माइनस वन ओवर एन जो वो इधर लग से आ जाएगा सिग्मा स्केर जो वो कॉमन आ जाएगा देखें मल लेने के बाद यहां पर ये वाली टर्म आ गई यहां से हम क्या करेंगे कि यहां पर हमारे पास एन माइनस वन आ जाएगा और नीचे खाली एन आ जाएगा ठीक है और ये वाली टर्म ये वाली हमने वैसे ही साथ लिख दी ठीक है ये एन माइनस वन इससे कट हो जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा और यहाँ पर ये रह जाएगी ये आ जाएगी ठीक है हम सिर्फ एस स्केयर की वैल्यू हमने ये फाइंड किया तो हम क्या करेंगे कि हम हमने ये रैंडम वेरिएबल जो रैंडम वेरिएंस जो है हमारे पास वो ये इसके इक्वल होता है तो हमने ये लिखते हैं और एसकेर की ये जो वैल्यू हमारे पास है वो हमने इसकी जगह रिप्लेस की जब रिप्लेस की तो हमारे पास ये वाली टर्म बन गई यहां से एन स्केयर और ये आ गया ठीक है इसको हमने इक्वेशन वन कंसिडर कर लिया ये हमारे पास वेरियंट्स ऑफ रैंडम सिम्पली सिंपल रैंडम वेरिएबल का सिंपल रैंडम सैंपलिंग है अब क्या करेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का वेरियंस फाइंड करेंगे उसके लिए क्या करेंगे कि बाय डेफिनेशन वो हमारे पास इसके कल होता है वो लिखा अब यहां से भी सेम प्रोसेस वो स्टेप है जैसे हमने पिछले वाले के साथ किया वैसे ही अब यहां पर करेंगे दोबारा से रिपीट करेंगे प्लस और माइनस म्यू किया उसके बाद म्यू यहां से कॉमन आ गया इसका हमने क्या ले लिया ए माइनस बी ठीक है तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी वो रूल ओपन किया ये वाली पूरी टर्म किसके कुल आ जाएगी टू के क्योंकि यहां पर के एथ है ठीक है एन नहीं है वहां पर एन था तो इसलिए यहां पर एन आ गया था अब यहां पर के, है, के है तो यहां पर के वैल्यूज जा आ जाएंगी ठीक है उसके बाद यहां से क्या होगा ये और ये वाली टर्म इसके साथ माइनस होगी तो यहां पर माइनस के और ये वाई बार और ये वाली वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यूज लिखी ठीक है उसके बाद क्या करेंगे यहां पर हम इसको ओपन करेंगे ठीक है ये हमारे पास इसके इक्वल होता है यहां से हम वन ओवर एंड जब कॉमन लेंगे और उस मिशन भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी ठीक है इसका हम होल स्केर वाला और ये इस रूल के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे ठीक है मतलब कि पहले इस पूरी टर्म पे स्केर आ जाएगा और फिर प्लस डबल इनका आ जाएगा जहाँ पर आई और जी हमारे पास इक्वल नहीं होंगे और बाकी ये एंड स्केर ये सारी टर्म ऐसे ही आ जाएगी अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ये वाली पूरी टर्म ऐसे आ जाएगी एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और मिशन को इंटरचेंज कर दिया ये वाली टर्म जो है सिग्मा स्केर के इक्वल होगी और ये वाली टर्म जीरो के इक्वल होगी जैसे जमशन में थी हमें गिवन थी और बाकी ये वाली टर्म जो है इसमें वाई बार को ओपन कर दिया और वो यहां पर ऐसे लिख दिया ये अब सिम्प्लीफाई हो गया अब इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास यहां से जब हम वन ओवर एन और स्मिशन वाई एन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी यहां से एन का स्केयर हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा बाकी ये वाली पूरी टर्म ऐसे ही आ जाएगी इसके बाद इसके ऊपर जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ये वाली रूल आ जाएगा और यहां पर हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेशन हमारे पास ये है ठीक है ये जब हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली टर्म तो सिग्मा स्केर बन जाएगी ये वाली जीरो बन जाएगी तो हमारे पास खाली ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पर ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सिग्मा स्केर ठीक है और ये वाला सिग्मा स्केयर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास ये के और एन स्केयर है ठीक तो है तो एन स्केयर को मैंने ब्रेक कर लिया कि दो एन है तो एक एन फिर एन लिख लिया यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी ठीक है यहाँ से क्या होगा कि अब ये वाला जो के था ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो यहाँ पर के आ गया और यहाँ से ये वाला के कट हो गया ठीक है यहाँ से एन के जो है ये एक एन के तो कैपिटल एन के इक्वल आ गया ठीक है स्मॉल एन हमारे पास वैसे ही आ गया और बाकी अब जब यहाँ से हम इसको कॉमन लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ से पहले एक स्टेप मिसिंग है सिग्मा स्केर को इधर कॉमन ले लेना है यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाएगी और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी उसको सिम्प्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास सिस्टमेटिक का वेरियंस जो है वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल है रेंडम के variance cake well thank you